नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम मिठास। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को हम आपसे रूबरू होते हैं गन्ना खेती के नए विषयों के साथ। हमारा ये प्रयास होता है कि जो हमारा विषय है उस विषय से संबंधित आपको सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो ये विषय है गन्ने की नवीन उन्नत किस्मों की पहचान एवं विशेषताएं। इस विषय के चयन के पीछे कारण ये है साथियों कि बहुत से किसान भाइयों के हमारे पास फ़ोन आते रहे हैं और वैज्ञानिकों के पास फ़ोन आते रहे हैं कि हमने साहब ये देखिए फ़ोटो भेजते हैं कि साहब ये देखिए कि ये फ़ोटो ये गन्ना 13235 है या नहीं है, या कोलक 14201 है या नहीं है, या 15023 है या नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि फ़ोटो देख करके बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, कई एंगल से गन्ने की पहचान की जाती है। तो साथियों, आज हमारा ये प्रयास है कि हम आपको गन्ने के खेत से गन्ने की जो नवीन किस्में अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं उनको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे पहचानें अपने खेत में, अगर आपके आसपास है कहीं तो आप ये निश्चिंत हो जाएं कि हाँ ये वैरायटी कौन सी है। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार श्रीवास्तव जी और वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार जी। आइए हम उनका परिचय आपसे कराते हैं। आइए हम मिलाते हैं आपको डॉक्टर विनय कुमार श्रीवास्तव जी से। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे कि जो शुरुआती अवस्था होती है, जो सबसे पहली चीज़ यह है कि किसान, हमारे प्रदेश के किसानों को यह जानना भी आवश्यक है कि कौन कौन सी किस्में हमारे प्रदेश के लिए स्वीकृत हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अन्य प्रदेशों से भी किसान भाई ले आते हैं गन्ने की किस्में, और वो हमारे यहाँ बाद में पता चलता है जब वो गन्ना लगा लेते हैं, बड़ा हो जाता है गन्ना बड़ा होने के बाद जब सप्लाई की स्थिति आती है तो ये पता चलता है कि ये तो हमारे प्रदेश की सूची में है ही नहीं। तो हालांकि वो सूची बहुत लंबी है, और मैं आपसे ये अनुरोध भी करूंगा कि आने वाले भविष्य में इस उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के फेसबुक पेज पर वो सूची अगर आपके द्वारा उपलब्ध हो जाए तो हम डाल दें, जिससे लाखों किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको ये पता चल जाएगा कि कौन सी किस्म प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए स्वीकृत है, मध्य क्षेत्र के लिए या पूर्वी क्षेत्र के लिए या पश्चिमी क्षेत्र के लिए स्वीकृत है, उससे देख करके वो अंदाज़ा लगा सकेंगे। अभी मैं आपसे सिर्फ ये चाहूँगा कि किसान भाइयों को बताएं कि कितनी किस्में इसमें प्रदेश में स्वीकृत हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की हों, चाहे वो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की हों, या हमारे करनाल सेंटर की हों, लगभग कुल कितनी किस्में इसमें प्रदेश में स्वीकृत हैं। देखिए किसान भाइयों, आपको उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की तरफ से हमारा नमस्कार। हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से दो तरह की किस्में हैं। हमारे यहाँ दो ग्रुप बने हुए हैं जी, शीघ्र पकने वाली किस्में और मध्य देर से पकने वाली किस्में। तो कुल मिलाकर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वैरायटीज जो हैं स्वीकृत हैं जी। और हमारा यही निवेदन है कि जो भी काश्तकार भाई हैं, जो स्वीकृत किस्में हैं उन्हीं को लगाएं। लगभग 67 किस्में हैं जो हमारे प्रदेश में स्वीकृत हैं जी। तो कहने का मतलब उसमें अर्ली हैं, मिड लेट हैं, कुछ उसमें स्ट्रेस की हैं। तो वो सूची हम आपसे अनुरोध करेंगे निकट भविष्य में जब भी उपलब्ध हो जाए तो इस पे डाल देंगे, तो हमारे किसान भाइयों को ये आसानी हो जाएगी। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है कि गन्ना किस्मों को हम लोग कैसे पहचाने जी, यहाँ जितनी भी किस्में ये प्रदर्शित हुई हैं ये सब स्वीकृत किस्में हैं और इनमें बहुत सी बारीकियां हैं। वैसे तो गन्ना पहचानने के लिए 10 माह की जो अवस्था है गन्ने की जी, वो आइडियल मानी जाती है कि एक नॉर्म है कि 10 माह की अवस्था में ही गन्ने को पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि 10 माह तक गन्ने में जो है वो करेक्टर लगभग सभी आ जाते हैं जिससे हम गन्ने को पहचान सकते हैं। बन जाती हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं और लगभग वहां पर स्टेबिलिटी की कंडीशन आ जाती है कि उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है जी। तो आइए आज हम आज के विषय पे आते हैं कि जो हमारा है कि आज हम चर्चा केवल नवीन गन्ने की किस्मों पे करेंगे। इस समय लगभग 160 लोग पूरे प्रदेश से लाइव जुड़े हुए हैं। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। साथियों, जहां हम खड़े हैं ये गन्ने की किस्म कोसा 13235 है जो अभी हाल ही में रिलीज हुई थी। मैं डॉक्टर अरविंद जी से चाहूंगा कि डॉक्टर साहब इसके जरा लक्षण आप बताएं, जो पहचान मैं डॉक्टर साहब लोगों से चाहूंगा कि सर थोड़ा सा
इस लिहाज से हमारे साथ बहुत से किसान जुड़े हुए हैं, वो देख करके मैं प्रयास करूंगा कि वो देख करके ये समझ सकें कि हाँ ये गन्ना उनका उनके खेत में जो गन्ना खड़ा है वो 13235 ही है। कोई ऐसे स्पेशल करेक्टर या दो या तीन या जो भी हो आप उनको बताने का प्रयास करें ताकि किसान भाई समझ सकें। जी सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले खेत के किनारे जब हम मेड़ पे खड़े होते हैं तब उसका फोलिएज देखते हैं जी, कि किस तरह की क्रॉप दिख रही है। तो फोलिएज ये थोड़ा सा आर्च टाइप का इसमें नजर आ रहा है जी, ये जैसे पत्तियां सब फैलाव लिए हुए जी। और फिर 27 करेक्टर होते हैं, उनके आधार पे हम किस्म को पहचानते हैं जी। लेकिन हम कुछ आपको ऐसे करेक्टर बताएंगे जिनके आधार पे आप लोग पहचान सकें। जैसे आप दूर से देख रहे हैं तो सबसे पहले तो ये आरिकिल, अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 8 से 10 माह की फसल को ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी, क्लियर कट। लेकिन फिर भी इनिशियल सिम्टम सारे इसमें डेवलप हो रहे हैं, ये फिक्स हो रहे हैं। ये किसान भाई देख रहे हैं, है आरिकिल 13235 गन्ने की अगेती किस्म को आप देख सकते हैं, आरिकिल है यहाँ पे, ये बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप देसी भाषा में समझिए, गन्ने का कान, गन्ने का कान। जी डॉक्टर साहब ये देखिए, ये आप मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, गन्ने का कान देखिए, ये कान आलिंद कण, ये अभी डेवलप हो रहा है ठीक है। ये तो ये क्या डॉक्टर साहब, ये थोड़ा बड़ा होता है, अभी थोड़ा सा ये बढ़ के लगभग 1 सेंटीमीटर ये यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा इसमें ये इस वैरायटी में। अच्छा और बाकी में मान लीजिए कि अगर दूसरी कोई हो तो उसमें बढ़ेगा नहीं वो? नहीं नहीं, दूसरी वैरायटी में अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 8 से 10 माह की जो फसल होती है जी वो पहचानने के लिए आइडियल होती है, तो अभी इस क्रॉप को उतना टाइम नहीं हुआ है, तो ये फिर भी ये आर्किल डेवलप हो गया है। ये आर्किल अब ये फिक्स होने वाला है क्योंकि ये आटम क्रॉप है शायद। हाँ आटम की है, आटम की है, इसीलिए इसमें पोरी वगैरह सब क्लियर है। और ये जो पैचेज होते हैं ये रेड कलर के जी, ये मैं देख रहा हूँ, ये गन्ने का जो लीफ सीध जिसको पत्र कंचुक कहते हैं, जो मतलब जो हिस्सा गन्ने के तने पे चिपका रहता है, इसमें धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं कुछ लाल लाल। हाँ ये लाल धब्बे डेवलप हो रहे हैं और ये धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जैसे क्रॉप जाएगी एकदम फिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देंगे। और उसके अलावा आप ये देखेंगे इस पे स्पाइन नहीं होता है बिल्कुल, लीफ सीट पे कांटे नहीं होंगे, कांटे बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, स्मूथ एकदम स्मूथ है ये एकदम स्मूथ हो। हाँ फिर अगर ये पोरी आप देखेंगे तो पोरी इसकी पत्ती बड़ी आसानी से छूट जाती है। अच्छा पत्ती इसकी बड़ी आसानी से छूट जाती है। इंटरनोड देखिए, ये देखिए गन्ने इंटरनोड देखिए आप, काफी मोटा गन्ना डॉक्टर साहब दिख रहा है। बट देखिए इसकी बट थोड़ा सा क्लियर। हाँ बट मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, गन्ने की आंख जो कहते हैं आप, उभरी हुई बट है, जैसे ये कछुए की पीठ होती है उस तरह का इसमें उभार है और बिल्कुल क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है दूर से। गन्ना थोड़ा सा अगर ऐसे देखेंगे तो ये चपटा होता है इसका। अच्छा गोलाकार नहीं, इसका तना जो है इसकी पूरी गोलाकार नहीं होती ना, अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो ये ओवल शेप टाइप का कटेगा, ओवल शेप, जैसे CO0238 का अगर क्रॉस सेक्शन बीच से काटते हैं गोल जी, तो वो बिल्कुल एकदम राउंड में दिखेगा जी। ये इसका चपटा होने की वजह से ओवल शेप आएगा, ये एक क्लियर कट पहचान है। और गन्ना इसका बन चुका है, ये गन्ना बिल्कुल ठोस होता है जी। डॉक्टर साहब ये पहचान, तीन चार पहचान हो गई, अब उपज के बारे में डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, किस्म में थोड़ा और कोई चीज ऐसा है कि किसान को पहचान चाहता हूँ, जैसे काश्तकार भाई हमारे, वो ये जो लाल रंग का धब्बा दिखाई दे रहा है ऐसा ही धब्बा मिलता जुलता CO98014 में भी दिखाई देगा जी, लेकिन इसके जो पैच हैं वो दिखाई तो जरूर पड़ेंगे, उसका गन्ना जो है। मैं बताना चाहूंगा कि आज इस समय लगभग 325 लोग डायरेक्ट लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा संख्या लाइव की है इस कार्यक्रम में। मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं, प्रयास हमारा है कि हमारे साथ जो वैज्ञानिकगण हैं बड़ी बारीकी से आपको जानकारी दें, क्योंकि गन्ने की किस्मों का सवाल है जी। डॉक्टर साहब CO98014 में भी ऐसा ही धब्बा दिखाई पड़ेगा जी, लेकिन इसका जो ऑर्किल यहाँ पर एक छोटा एक साइड में दिखाई दे रहा है जी, उसमें जो है 98014 में लंबा दिखाई पड़ेगा वहाँ। अच्छा। इतना लंबा दिखाई पड़ेगा उसका ऑर्किल, तो ये हम उसमें अंतर कर सकते हैं। कहने का मतलब है हाँ। पत्ती अगोला इंटरनोड ऑरिकल लिग्यूल स्पाइंस स्प्लिट ये सब कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट जी, लेकिन किसी वैरायटी में एक चीज होगी, किसी में दूसरी चीज होगी, किसी में रंग ऐसा होगा जी। इस आधार पर लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
और देखते देखते हमारे काश्तकार भाई यहाँ के प्रशिक्षण से भी मुझे खुशी है कि यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनसे बहुत ही प्रशिक्षित हो गए हैं और सब जागरूक हैं। फिर भी अगर कहीं पर जो है वो कोई कमी रहती है, कहीं जानकारी होती है, तो उसके लिए गन्ना शोध परिषद के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। को 0238 जिसको कि काटने से गोल दिखाई पड़ता था जी, क्रॉस सेक्शन में, ट्रांसवर्स सेक्शन में, इसका जो है वो ठोसता इसमें है, सॉलिड गन्ना है, सॉलिड गन्ना है। को 0238 में जब आप काटेंगे तो सफ़ेद रंग का हल्का सा रेशा दिखाई पड़ेगा, हल्का सा रेशा दिखाई पड़ेगा उसमें। नीचे की साइड में काटेंगे वाइट कलर का हल्का सा रेशा दिखाई पड़ेगा। उसका गन्ना जो क्रॉस सेक्शन है वो गोल है, राउंड है, इसका थोड़ा इलिप्टिकल है, अंडाकार हल्का सा दिखाई पड़ेगा, लेकिन ठोसता इसमें बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी में भी वो 238 का टक्कर लेती है। चीनी परते की अगर बात, चीनी परते की बात करें, बताइए औसत उपज की डक्सा बात कर रहे थे, औसत उपज इसकी जो फार्मर्स द्वारा ली गई है वो 1250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है जी। श्री अचल मिश्रा जी हैं और तो डेटा उस तरह का नहीं अभी आया है जी, लेकिन उनका 1250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का है। वैसे इसकी जो औसत सामान्य स्थिति में 1000 से के आसपास तो होगी, 1000 के आसपास आ जाएगी जी। आप किसान भाई देख भी सकते हैं, आप गन्ने की ये देखिए, आप पोरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ पोरी की मोटाई, और गन्ना ये सॉलिड है, ठोस गन्ना है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसके वजन के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। ये अक्टूबर का गन्ना है, काफ़ी गन्ने की मोटाई भी है, तो ये पहचान की अगर हम बात करें तो सीधी सीधी पहचान डॉक्टर साहब ने 3-4 बताए हैं, एक बार पुनः हम उनको रिपीट कर देते हैं समझने के लिए। पहला तो ये है कि गन्ने के लीफ सीध अर्थात पत्र कंचुक पे ये धब्बे दिखाई पड़ेंगे, ये पैचेस दिखाई पड़ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पैचेस दिखाई पड़ रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, आरिकिल्ज गन्ने का जो कान है, आप देखिए वहाँ पे डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, पेन से दिखा रहे हैं, गन्ने का आरिकिल्ज बोलते हैं कान, तो वो कान बढ़ा हुआ होता है, अभी चूंकि गन्ना डेवलप हो रहा है तो कम बढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं आरिकिल्ज इसका बढ़ा हुआ है। तीसरी बात जो डॉक्टर साहब ने बताई कि यहाँ पे देखिए आरकिल, डॉक्टर विनय जी दिखा रहे हैं कि आरकिल इसका बढ़ा हुआ है। तीसरी बात जो डॉक्टर साहब ने बताई कि इसकी जो आँख होती है, गन्ने की आँख जो होती है, ये कछुए के पीठ की तरह होती है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कछुए के पीठ की तरह है। चौथी चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके जो लिपसीत है पत्रकंचु, उस पर कांटे नहीं पाए जाते हैं, पत्तियाँ आसानी से छूट जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। गन्ने की पोरी जो होती है वो गोलाकार ना होकर के ये ओवल शेप्ड में होती है, अंडाकार टाइप की होती है। तो ये 4-5 लक्षण कोसा 13235 के हैं, जिससे किसान भाई ये देख करके अपने गन्ने से मिलान भी कर सकते हैं, जानकारी भी पा सकते हैं। और रही बात उपज की, तो उपज के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि जो फार्मर फील्ड पर, ये फोलियज भी मैं बता दूँ कि इसका फोलियज आप देख सकते हैं इस तरीके से होता है, पत्ती फोलियज मतलब पत्तियों का जो फैलाव होता है वो इस तरीके से होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं पूरी क्रॉप दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ये देखिए इसका फोलियज इस तरीके से होता है, गन्ने की पत्तियों का जो फैलाव होता है ये इस तरीके से है। तो इन जो करेक्टर हैं इन सबसे आप देख करके पहचान सकते हैं गन्ना किस्म 13235। और अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 10 महीने की क्रॉप में हम और अच्छे ढंग से पहचान सकते हैं, चूंकि ये कार्यक्रम हर मंगलवार को होता है, तो हम प्रयास करेंगे कि 10 महीने पे भी और भी जैसे ही और बढ़वार होगी तो और बताने का आपको प्रयास करेंगे, ताकि सारी चीज़ें गन्ने की एक अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को हो जाए। किसान खुद इस कार्यक्रम के माध्यम से, मेरा तो यही प्रयास है, हमारे निदेशक महोदय का और जो प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूस रेड्डी जी, सबका यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का किसान जो है, गन्ना किसान, स्मार्ट किसान बने और बन भी रहे हैं। तमाम ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जो जिसके लिए गन्ने यहाँ का किसान स्मार्ट किसान बन भी रहा है। आइए हम इसके बाद एक और गन्ने की किस्म के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, जो अभी हाल ही में गन्ने की किस्म रिलीज हुई है, को 15023। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि यह करनाल सेंटर से ये गन्ने की किस्म अभी रिलीज हुई है, हालांकि AICRP द्वारा यह कुछ माह पहले ही रिलीज हो गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में के पश्चिमी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के लिए ये अभी हाल ही में ये यहाँ पे अंगीकृत की गई है, जो वेराइटर रिलीज कमेटी है उसके द्वारा ये अंगीकृत की गई है को 15023। हम आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें, चूँकि साथियों यहाँ पे जो प्लाट है
इसमें 12-13 वैरायटियां हैं। 15-023 का जो प्लाट है थोड़ी दूरी पे है, तो वहाँ से गन्ना ला करके हम आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है तो वहाँ तक ले जा करके कार्यक्रम में व्यवधान की वजह से हम आपको यहाँ पे 15-023 दिखाना चाहें। डॉक्टर साहब, आप 15-023 के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं। देखिए, कोशा 13-235 भी आपने देखा जी, उसका नाम है सहज पाँच जी, एक निकनेम जो होता है उसका सहज पाँच है। उस तरीके से ये को 15-023 जो है जी, ये जो है इसका नाम है करण पंद्रह। ये करनाल से निकाली गई है वैरायटी जी, और काफ़ी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में इसको बेहतर पाया गया और आंकड़ों को प्रदर्शन से इसको रिलीज किया गया है, वो रिलीज है ये और अंगीकृत प्रदेश में किया गया है जी। तो इसके बारे में ये है, ये 4-5 करके जैसे 13-235 के डॉक्टर साहब, ये ऐसा है कि इसका गन्ना आप देखेंगे, गन्ना इसका थोड़ा पीला अभी है। केन फार्मेशन गन्ना बन रहा है, गन्ना बन रहा है, लेकिन ये बसंत काल का गन्ना है। ये इसका जो गन्ने का रंग है जी, रंग जो है इसका थोड़ा पीला आ रहा है, ये देखें आप इसका, ठीक है। सिलिंड्रिकल टाइप की ये इसकी थोड़ी इंटरनोड है, ये जो है ये गोल है, आँख बड जिसको कहते हैं, ये देखिए बड इसकी गोल है। लीफ शीथ पे इसके कांटे नहीं के बराबर हैं, कहीं कहीं पर इसमें पाए जा सकते हैं, अदरवाइज इसमें कांटे नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हल्के कांटे, हल्के कांटे सामान्यतः नहीं है, सामान्यतः से नहीं है। इसमें देखिए एक साइड में, एक अच्छा, साइड यहाँ पे ये, किसान भाई ये देख सकते हैं कि जो आर्किल वहाँ पे अभी डेवलप नहीं था, यहाँ पे ये बसंत कालीन गन्ना है, लेकिन आर्किल इसका बहुत ये बड़ा हुआ है, एक साइड में है। और इसको किसान भाई ध्यान दीजिएगा बहुत बारी से कि जो आर्किल है, गन्ने का कान कहते हैं, इसमें काफी बड़ा हुआ है अभी, चूंकि ये मार्च का गन्ना बोया हुआ, एक मार्च का गन्ना बोया हुआ एक है, एक साइड बड़ा है, एक साइड बड़ा है, एक साइड छोटा। देखिए ये इस बड़े, आप बड़े में भी ये जो है लैंसियोलेट टाइप का है, आप देख रहे हैं इसमें नोक है, नुकीला, तो ये हिंदी में भालाकार कहलाता है। अच्छा अच्छा, जिस प्रकार से भाला देखते हैं नुकीला, उसी तरीके से देख ले, नजदीक से दिखाइए, ये देखिए जी, ये आप देखिए आर्किल गन्ने का कान, थोड़ा सा डॉक्टर पेन से आप जरा वहाँ पे दिखाइए ये। हाँ, ये 15-023 की हम लोग बात कर रहे हैं, 15-023 में आप देखेंगे एक तरफ ये आर्किल गन्ने का कान होता है, दूसरी तरफ डॉक्टर साहब ये छोटा है, ये देखिए बहुत ही छोटा है, एक बार फिर दोनों को एक बार एक साथ दिखा दीजिए जी, यहाँ बहुत ही हल्का है, दूसरी तरफ ये बहुत ही लंबा है आर्किल। तो जी डॉक्टर, इसके बाद आगे के जो लक्षण है इसके, इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ, इसकी जो पत्ती है अगोला जी, अगोला हल्का सा पीला हरा है जी, पीला हरा अगोला है, और एक साइड में आप देखेंगे ये पत्ती हल्का सा दब जाती है जी, ये देखिए कर्लिंग है, थोड़ी सी कर्ल है, देखिए बहुत हल्की सी, कहीं कहीं पर आपको कर्लिंग दिखाई पड़ेगी। सामान्य रूप से पत्तियां ड्रूपिंग टाइप है, ये देखिए ड्रूपिंग मतलब एक तरफ ऐसे एक तरफ ऐसे, ये ड्रूपिंग टाइप हो गया। थोड़ा सा इसको और आप डॉक्टर साहब, आर्क बनाती हुई पत्तियां देखिए, एक इधर एक इधर, तो आर्क तो अभी आपने उसमें भी बताया था 13-235 में भी आर्क बनाते, उसका जो है वो थोड़ा सा आप देखेंगे अगोला जो है डिफरेंट टाइप का है जी, और इसका जो है अगोला डिफरेंट टाइप का, अगोला सब में है लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके जो फलक है, पत्र फलक या जिसको हम रामायणा कहते हैं, उसके विड्थ कैसी है, उसका अलाइनमेंट कैसा है जी। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए नेटवर्क चला गया था जी। लीफ शीट देखिए चिकनी है जी, हरी रंग की है, इसमें कोई स्पॉट नहीं है, देखिए जैसे कि कोशा 13-235 में आपको धब्बे दिखाई पड़ रहे लीफ थे, कोई इसमें कोई धब्बा नहीं, कोई धब्बा नहीं है। ये 15-023 को 15-023 करण 15, और कोई इसकी पहचान जिसे किसान भाई डॉक्टर साहब जान सकते हो? ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, हाँ ये भी ये आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये पतला है, ये चीज इंटरनोड कोनाइडल है, ऊपर जा करके थोड़ी मोटाई ले लिया है। अच्छा, इसकी जो पोरी है ऊपर ऊपर चौड़ी नीचे पतली, कोनाइडल जैसे गांव में चिलम होती है जी, चिलम नीचे पतली और ऊपर थोड़ा सा या ग्लास 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 का ग्लास टाइप से। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर उस तरह का नजर आ रहा है। यहाँ एक बात और बता दूं कि को 0118 भी आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा जी, लेकिन उसका गन्ना जो है वो इससे आपको फर्क मिलेगा, उसका गन्ना हल्का सा बैंगनी रंग लिए हुए है, लीफ शीट पे कांटे हैं जिसको कि भी आपको आगे दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वैरायटी का इंटरनोड एक ही तरह का हो सकता है जी, अगोला भी एक ही तरह हो सकता है, लेकिन डिफरेंशिएट तीन चार चीजों को लेकर के तब चलेंगे तभी हम गन्ने को पहचान सकते हैं। और इसको जब काट के देखेंगे गन्ना बिल्कुल ठोस निकलेगा जी, और अन्य जितनी भी वैरायटी अर्ली में रिलीज है जी उनमें सबसे सॉफ्ट गन्ना है इसका।
अच्छा हाँ, मुलायम गन्ना बहुत ही मुलायम है, बहुत ही मुलायम है। बाकी टिलिंग में भी ठीक है, ये कलरिंग कर्लिंग जो बताई डॉक्टर, अच्छा पत्तियों में जो कर्लिंग है ये, ये थोड़ी सी बड़ी स्पेस, ये आप देख सकते हैं किसान भाई की ये पत्तियां थोड़ी सी अंदर की तरफ ये मुड़ी हुई हैं। अब यहीं पर आप जो है कोल से 032-34 को देखेंगे, उसमें भी पत्ती कर्लिंग दिखाई पड़ेगी, उसकी ये पत्ती कर्लिंग, लेकिन उसमें आर्किल ऐसा नहीं होगा, आर्किल उसकी जो पत्ती है ना टॉप उसका ज्यादा हो, आर्किल ऐसा नहीं हो, डार्क ग्रीन होगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि 3-4 करेक्टर को लेके आप चलेंगे तो गन्ने को आसानी से पहचान सकते हैं, पीला नहीं होगा उसका, उसका पीला नहीं होगा, सफेदी लिए हुए ब्लैक पैचेस होंगे जी। अच्छा, ये उसकी आंख अलग है। आर्किल भी जो लंबा वाला डॉक्टर साहब ने बताया वो इनर वाला आर्किल है। अच्छा, वो इनर आर्किल, जैसे यहाँ से पत्ती ये जो है दबी हुई है जी, अंदर का पोर्शन है जी, ये यहाँ तक लेके जा रहे हैं ऐसे करके, ये फिर आर्किल मिला, ये आर्किल लंबा है। अच्छा, और डॉक्टर साहब थोड़ा सा इनर आर्किल आउटर आर्किल को थोड़ा सा और समझा दीजिए, यहाँ पे जैसे पत्तियां हैं जैसे अंदर की तरफ, ये पत्ती आपने छुटा ली ठीक है, ये लीफ सीथ है हमारा जी, जी। ये पत्ती अंदर की तरफ जो दबी अंदर की तरफ उसको इनर, वो इनर आर्किल अंदर की तरफ दबी हुई है हाँ, तो जो दबी हुई है पत्ती है पोर्शन है वो इनर आर्किल हो गया। इनर आर्किल ये देखो ये लंबा है जी, और लेंसियोलेट टाइप का है जी, और आउटर आर्किल केवल ये डेल्टॉइड टाइप का है, डेल्टा टाइप का बनेगा ये आउटर आर्किल। तो मुझे लगता है कि इन सभी चीजों को देख करके किसान भाई बड़े आसानी से इसको पहचान, दांत की तरीके के डेल्टॉइड में दांत की तरीके का, और ये भाले की तरीके से है, तो एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा। चलिए डॉक्टर साहब, और हम गन्ने की किस्मों के बारे में और किसान भाइयों को बताते हैं जो नवीन किस्में हैं। एक और गन्ने की नई किस्म जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा गत वर्ष ही अभी विकसित की गई है, कोलख 14201। ये वैरायटी बहुत ही अच्छी है, अभी हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में, कैसे किसान भाई इसको पहचान सकते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं इसकी। डॉक्टर साहब इसमें 14201 में बताया इसकी पीड़ी रेटूनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ, कोलख 14201 जो है ये भी बहुत ही अच्छी शीघ्र पकने वाली किस्म है जी, और रेटूनिंगबिलिटी है कम से कम 2 रेटून तक इसकी आराम से लिया जा सकता है, बहुत अच्छी रेटूनिंगबिलिटी है। और गन्ना भी जो है इसका जी मध्यम मोटा है, और इसका जो अगोला है बिल्कुल इसका फोलियज जो है खड़ा खड़ा इसका रहता है, पत्ती जो है 84-36 की तरह लगभग वो खड़ा खड़ा टाइप का रहेगा जी, लेकिन 84-36 से डिफरेंस ये है, यहाँ पे ये 118 के पास हम लोग हैं थोड़ा, इसको भी इसके बारे में भी एक और, हालांकि ये पुरानी वैरायटी है, कई लोग काफी परिचित हैं, ये थोड़ा सा और बता दीजिए इसके बारे में। जब हमारी जो को 0238 जो बहुत ही लोकप्रिय रही जी, और उसको अब सेकंड लाइन में ले लिया गया है क्योंकि उसमें कुछ कमियां आ गई हैं जी, तो ये को 0118 भी बहुत ही होनहार किस्म के रूप में है ही है जी, और इसका नंबर है को करण 2, को 0238 का नाम है करण 4, इसका नंबर है करण 2। इसको अगर पहचानना हो तो ये सीधे दिख रही है बैगनी, इसके इसका इसको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, इसकी बैंगनी रंग की लीफ शीट है हाँ। एक साइड में देखिए ये लंबा है आर्किल, आर्किल इसका एक साइड लंबा है, एक साइड बहुत छोटा डेंटोइड टाइप का है, और ये जो है लंबा आर्किल है, और इसमें कांटे हल्का सा आप ऐसे लगाएंगे तो कांटे मिलेंगे, इसमें उल्टा उल्टे से ऐसे हाथ से लगाएंगे ना तो इसमें हल्के हल्के से कांटे दिखाई पड़ेंगे, और ये कांटे जो है वो वक्त के साथ में हट भी सकते हैं, लेकिन ये कांटे आपको प्रोमिनेंट दिखाई पड़ेंगे। इसमें चूंकि ये इंटरनोड बन गई है, आप जिसको देखें इंटरनोड जो है, इंटरनोड जैसे गिलास होता है ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोटा नीचे पतला, इसको कहते हैं अभिशंकु आकार। शंकु का तो मतलब है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे 15023 की बात कर रहे थे, उसकी पोरी अगर हम देख रहे थे तो ऊपर चौड़ा चौड़ा था, नीचे पतला था, ये भी उसी प्रकार है, लेकिन लेकिन इस वो नीचे उतना पतला नहीं है, इसीलिए मैं चिलम की संज्ञा दे रहा था जी जी, जी। जो गांव में पहले लोग चिलम पिया करते थे जी, तो चिलम का जो ऊपर का पोर्शन होता है थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होता है, इसको भी उसको भी अभिशंकु आकार बोलेंगे, अभिशंकु भी अभिशंकु आकार है, लेकिन वहां जो चिलम वाली शेप है यस, वो ये मैं बताना चाह रहा था, या जो सॉफ्टी एक आती है हाँ सॉफ्टी वो उसको जो खाते हैं उसका जो नीचे कोन कोन कहलाती है, तो उस तरीके से तो इस तरीके से किसान भाई देख सकते हैं कि जो गिलास वाला एग्जाम्पल है वो यहाँ लागू हो रहा है 100%। हाँ, गिलास वाला यहाँ पे बता दिया। एक चीज मैं और यहाँ पे चाहूंगा कि अभी आप लोगों ने बताया कि 13235 में ये इसके लीफ सीथ पे धब्बे हैं, तो ये किस प्रकार अलग है, या इसके भी तो बैगनी रंग के धब्बे हैं, इसके भी लीफ सीथ पे धब्बे हैं,
नहीं, उस पे तो केवल ब्लड जैसे रेड कलर के पैचेस थे, इसमें रेड नहीं है, इसमें पिंक टाइप के पैच, पिंक कलर का है ये जैसे ही मैच्योरिटी फेस में आएगा ये, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ग्रोथ है ये ऊपर से लेके नीचे तक है। हाँ, ये उसमें ये, मतलब स्टार्टिंग ऊपर से ना होकर बीच बीच में कहीं पैचेज है, ये रेगुलर है बिल्कुल, इसमें धब्बे नहीं है। ये इसको धब्बे हम नहीं बोलेंगे, ये धब्बे नहीं है, ये लीफ ही थी इसकी पिंक कलर की है, पिंक कलर की उसमें जो है वो जगह जगह पर है, तो उसमें वो स्पॉट्स हैं जी, इसमें स्पॉट नहीं है, इसमें कलर ही इसका जो है वो पिंक है, पिंक कलर। और बताइए, अब ये आर्किल की बात चल रही थी, इनर आर्किल इस वैरायटी में भी काफी बड़ा है जी। ये देखिए अंदर की तरफ से जा रहा है और ये काफी बड़ा है जी। ये वाला आर्किल जी, जी। ये छोटा है, आउटर आर्किल छोटा है, तो एक चीज समानता है कि इनर आर्किल इसका भी बड़ा है और 15023 का भी इनर आर्किल बड़ा है। हाँ, लेकिन उसका जो लीफ सीथ है उसे बैंगनी रंग के धब्बे नहीं है, बैंगनी रंग 15023 उसमें धब्बे तो नहीं है, इस पूरा देखो ये बैंगनी रंग डेवलप हो रहा है और हल्के कांटे, अभी कांटे जो है आ रहे हैं इस वैरायटी में। अच्छा। कभी जो स्टार्टिंग में जैसे स्प्रिंग में अभी कांटा इसमें नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल कांटा नहीं मिलेगा, कांटे भी इसके ऐसे होते हैं बिल्कुल ये चुभते नहीं है, बहुत हल्के, एक बार ऐसे रगड़ दीजिए बिल्कुल फिर कांटा जो है उसमें दिखाई नहीं देगा। अब ये आर्किल देखो उसका 15023 से लंबा आर्किल है जी, ये काफी दूर से दिख रहा है, और क्रॉस सेक्शन अगर इसका काटेंगे ये भी ये इसका राउंड शेप में ही कटेगा जी, क्रॉस सेक्शन भी। उसके अलावा इसमें है क्या कि ये गन्ना ठोस रहता है, अक्टूबर से लेकर के आप अप्रैल मई तक अगर कट करते हो, 20 से काट के देखते हो जी, तो ये गन्ना ठोस ही मिलेगा, इसलिए इस वैरायटी का प्रति गन्ना वजन भी ठीक है, लगभग 2.25 किलो का गन्ना है वजन का, सालिन की वजह से इसका वेट कभी। और अच्छा। वहीं पे CO0238 में 15 मार्च के बाद डॉक्टर साहब जैसा बता रहे थे कि उसमें हल्का सा सफेदी लिए हुए होता है, तो यहाँ पे जैसे अगर आप कट करते हो 15 मार्च को इसको ये जी ऊपर के पोर्शन में 20 से, तो यहाँ पे स्पंज टाइप का आपको थोड़ा सा मिलेगा 38 में। जैसे जैसे समय बीतेगा टेम्परेचर बढ़ेगा ये स्पंजी टिश्यू नीचे की तरफ को बढ़ता जाएगा, इसमें ये ऐसा सब 118 में भी नहीं, 15023 में भी नहीं है जी, और किसी वैरायटी में अगली वैरायटी जो लेटेस्ट है उनमें किसी में नहीं है। 1400, आइए हम 1401 की बात करें, अभी हम लोग चल रहे थे चूंकि ये वैरायटी हम यहाँ पे थी रास्ते में तो हम लोगों ने इस पर चर्चा कर लिया। तो आज हम हालांकि वैरायटी बहुत है वैरायटी में, लेकिन हम आज केवल नवीन गन्ने की किस्में हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे कि जो अभी हाल में साल डेढ़ साल के अंदर जो रिलीज हुई हैं गन्ने की किस्में उन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोलक 14201 के बारे में आइए हम बताते हैं आपको विस्तार से, बड़ा सॉलिड गन्ना है और ये वैरायटी अभी हाल ही में पिछले वर्ष भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से ये गन्ने की किस्म विकसित हुई है, और जो वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के निदेशक डॉक्टर जय सिंह साहब हैं वो भी इसके ब्रीडर हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब 14201 पे हम लोग खड़े हैं, ये आप पहले हम फोलियर दिखा दें अपने किसान, आप देखें इसका जो है वो इसकी पत्तियां सब खड़ी हुई दिखाई पड़ रही थी जी, एकदम जैसे हाथ जो है कुछ 84-36 जो पहले की थी उससे मिलती जुलती अगर कह सकते की तरह लगेगा, लेकिन 84-36 की जो पत्ती है जी वो थोड़ा सा लंबाई में कम है जी, और उसकी विथ ज्यादा है, तो चौड़ी है उसकी पत्तियां, लेकिन इसकी पत्तियां जो है वो मीडियम है और जो है वो खड़ी हुई है देखिए। अच्छा, एक चीज और हम इसका इस पे करेक्टर के बारे में जाने से पहले हम चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को बताएं, किसान भाइयों के फोन कॉल्स भी आते हैं कि साहब इसका पैरेंटेज जो है वो 0238 की GC है। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि 0238 के पहले तो GC का मतलब बता दें, और क्या ये एक्चुअल में ये 0238 के समकक्ष हम इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा जानकारी। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो इतना अवेयर हैं कि उनको जो है वो इसके पैतृकता के लिए भी उनको जो है वो जिज्ञासा है जी। ये सच है कि को लख 14201 जो है उसके पेरेंटेज जो हैं वो को 0238 का जनरल कलेक्शन है, GC जिसको कहते हैं जी। अब देखिए जब GC की बात होती है या बाई पेरेंटल प्रोसेस की बात होती है, बाई पेरेंटल जो जैसे कोशा 13235 जी, वो बाई पेरेंटल से बना हुआ है, बाई पेरेंटल में उसमें MS 6847 और को 1148 उसके पेरेंट है जी। यहाँ पर क्या है कि ये को 0238 का जनरल कलेक्शन है
जी हाइब्रिडाइजेशन जब किया जाता है तो को 0238 का जब फूल आया जी, उसके आसपास में जो मेल थे जी जो कि अननोन है वो उन मेल से हाइब्रिडाइज करके हमने फीमेल प्लांट जो है को 0238 इसका फीमेल प्लांट है जी, उससे जो है वो अगर सीड हार्वेस्ट किया गया, फ्लफ बनाया गया, बीज पैदा किया गया तो वो हमारा फीमेल जो है वो नोन है, यानी कि को 0238 हमारी नोन है, लेकिन उसमें कौन सा मेल है ये हमारा नहीं पता है। जैसा कि आप सब जानते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है ये मदर का पार्ट जो है वो ऑफस्प्रिंग में ज़्यादा आता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ये है कि फीमेल का पार्ट हमारा ज़्यादा इसको आता सीधी है। भाषा में हम अगर किसान भाइयों को ये कहें कि जैसे एक माँ बाप के तीन बच्चे अगर हैं तो हम कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक समान ही हों, बिल्कुल, लेकिन जो उनके जेनेटिक करेक्टर हैं वो तो रहेंगे ही, बिल्कुल, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक समान ही हों। जैसे क्या? एक माँ बाप की तीन संतान हैं वो अलग होंगी जी, उसी की तरह गन्ने में भी है जो संकरित जो हमारा बीज है जी उसमें बहुत ही विभिन्नताएँ होती हैं जी, उन्हीं विभिन्नताओं को हमको सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमारी उपज के लिए, क्योंकि गन्ने का जो त्रिवेणी है वो हमारा जो त्रिवेणी है वो तीन चीज़ें हमारी हैं जी, उपज, गन्ने की उपज, दूसरा गन्ने चीनी का पड़ता जी, और नंबर तीन है लाल सरन रोग जी। तो ये तीनों चीज़ों को हमको विशेष रूप से जो है इन पे केंद्रित रहना पड़ता है। जो सारे ब्रीडर हमारे कंट्री के हों ये सभी लोग इसी बात पर निर्भर करते हैं कि उनमें डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंस क्या है, उपज क्या है और चीनी का पड़ता क्या है जी। तो ये जो चीनी का पड़ता अधिक उपज देने वाली ये को लक्ष 14201 है जी, किसानों के बीच में बहुत लोकप्रिय हो रही है और भविष्य की एक अच्छी किस्म है, जिसको कि मेरा अनुरोध है कि प्योर सीड बो करके किसी भी जिस भी सोर्स से आप ले रहे हों और एक ऑथेंटिक सोर्स से लीजिए, एक निश्चित स्रोत से लीजिए, जिससे कि आपको आगे भ्रम की कोई स्थिति ना हो। क्योंकि एक अच्छी किस्म है, इसमें जैसे कि आपको बताया इसके कैरेक्टर्स के बारे में कि अगोला जो है इसका हरा है, खड़ा हुआ खड़ी पत्तियां हैं जी, और इस स्टेज पे आप देखेंगे तो इसकी पत्ती जो है वो इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है जी। इसके जो इंटरनोड्स हैं यहाँ दिखाइए, इंटरनोड जो है देखिए हल्का सा वैक्स लिए हुए, देखिए जी वैक्स लिए हुए है, सफ़ेदी लिए हुए हैं जी। जब आप इसको ऐसे देखिए लगाए ये इसमें वैक्स दिखाई पड़ जाएगा, देखिए हल्का हल्का वैक्स दिखाई पड़ेगा। अब इसके जो जनक हैं हमारे साथियों में बताना चाहूंगा कि सिंह जी आ गए हैं, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के निदेशक आदरणीय डॉक्टर जय सिंह साहब इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और इस वैरायटी के ब्रीडर भी हैं जो कोलक 14201 है, उसी पे हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। सर आज काफी संख्या में लोग सर जुड़े हैं, लगभग 400 से लोग डायरेक्ट इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लाइव गन्ने की किस्मों के बारे में। तो सर आने के बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार आप सभी लोगों को जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको इस प्लेटफार्म पर स्वागत करता हूं। और पीछे हमारे ब्रीडर्स ने बताया आपको काफ़ी डिटेल से, और जैसा इस वैरायटी के बारे में बताया जा रहा है ये आपके सामने है, हमारी ये आटम की प्लांटेड क्रॉप है, ये इन लोगों ने बता दिया होगा। इसकी आप लंबाई देख सकते हैं, लंबाई मुझे लगता है कि इस समय इसकी 2.5 मीटर के आसपास हो चुकी है जी। तो इस वैरायटी की विशेषता जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर पिथ नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर पिथ होता है जी। जिसके कारण इसकी बढ़वार थोड़ी स्लो होती है, लेकिन इसका छोटा गन्ना भी ज़्यादा उपज देता है, पर केनवेट अधिक होगा, पर केनवेट इसका ज़्यादा होता है, आपको देख के जितना अंदाजा लगेगा उससे ज़्यादा इसका निकलता है जी। दूसरी विशेषता इसकी पोरियाँ छोटी होती है नीचे की, गर्मी के महीने में जो पोरी बनती है वो छोटी बनती है जी, बरसात के महीने में जो पोरी बनती है वो बड़ी बनती है, फिर जब बरसात के बाद पौधे की ग्रोथ सीज कर जाती है तो सभी किस्मों में ये पोरी फिर छोटी छोटी बनने लगती है टॉप के पोर्शन में जी। तो इसकी पोरियाँ चूंकि स्वभावतः छोटी होती हैं, इसमें पोरियों की संख्या 25 से लेकर 32 तक होती है, और 32 पोरियों की विशेषता ये है कि हर पोरी इसकी जर्मिनेट कर जाती है, अगर आप काट के बो दें तो ये जर्मिनेट कर जाएगी। दूसरे इसमें कभी भी आपको जल्दी इसकी बड स्प्राउटिंग नहीं होती है, और चूंकि इसकी पोरियाँ जमीन के नीचे वाली बहुत छोटी होती हैं इसलिए इसकी पेड़ी बहुत ज़बरदस्त होती है, आप कम से कम मेरा विश्वास है इस फसल से 2 या 3 पेड़ी बहुत आराम से ले सकते हैं। दूसरी विशेषता ये देखने को मिल रही है कि ये पेड़ी की उपज प्लांट क्रॉप से भी ज़्यादा हो रही है इसकी, ये हमारा अनुमान लग रहा है कि प्लांट क्रॉप से ज़्यादा होगी पेड़ी की पैदावार। सर पेड़ी की पैदावार
हम सब लोगों ने एक और किसान भाइयों से अनुरोध है कि किस्म चाहे जो लगावें, आप लोग कम से कम 10 केजी बढ़िया क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा एक या दो बार अपने खेत में ज़रूर अप्लाई करिए। तो जो भी किस्में हैं जिनमें थोड़ी बहुत विल्ट की या रेड रॉट की हल्की फुल्की समस्या होगी, तो ट्राइकोडर्मा उसको रोकने में भी मदद करेगा। ट्राइकोडर्मा का काम होता है फसल की बढ़वार को ठीक करना, बढ़ाना जी। वो भी काम करेगा। तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग ये लोग 10 केजी पर हेक्टेयर या दो बार भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी किस्म लगाए हैं जिसमें थोड़ा बहुत इनको संभावना लगती है कि विल्ट या रेडराट आ सकता है जी, उस केस में चाहिए कि दो बार एप्लीकेशन कर दें ट्राइकोडर्मा का। हमारी रिकमेंडेशन यद्यप की 10 केजी प्रति हेक्टेयर एक बार की है, कोई महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता है, सस्ता भी है जी। दूसरे ये चूंकि ग्रोथ को इन्हांस करता है, तो ये 20 केजी भी डाल देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं पड़ेगा। दूसरे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे जो इस प्लेटफार्म से जुड़े हैं कि आप लोग इनपुट घटाइए, आप लोग खाद की मात्रा घटाइए, पानी का दुरुपयोग रोकिए। पानी बहुत महंगा है, आपके खाद तो मिल जाएगी, पानी नहीं भविष्य में मिलेगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग पानी को बचाइए और पानी का सीमित उपयोग करिए। 20 दिन तक लगातार बरसात अगर नहीं हो तभी खेत में सिंचाई करनी चाहिए जी। अगर 20 दिन तक हो, बल्कि अगर आजकल तो मोबाइल पर मेट डाटा दिख जाता है, तो अगर बरसात की संभावना है तो एक दो दिन और रुक जाइए, तो इससे आपके खर्चे में बचत आएगी। और पौधा थोड़ा बहुत जब गर्मी झेल लेता है या सूखा झेल लेता है तो पानी पाता है तो बड़ा तेजी से बढ़ता है जी। तो इस बात को ध्यान रखकर लगातार किसी को पानी लगाए रखने से उसकी बढ़वार चेक हो जाती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी आप आगे का कार्यक्रम इन लोगों के साथ करिए। मेरी सभी को शुभकामनाएं, फिर से एक बार नमस्कार, धन्यवाद सर, बहुत बहुत कंटिन्यू करिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग हर वैरायटी के 3-4 करेक्टर की किसान भाई कैसे इसको पहचान सकें, इसमें तीन चार करेक्टर जो क्यों, 2-3 करेक्टर जो किसान भाई इसको, अभी इसमें स्पाइन बिल्कुल नहीं है, अच्छा हल्का सा मैच्योरिटी पे थोड़ा आता है जी। और देखें आप, ये जो ग्रोथ रिंग कहलाती है ये बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है मैच्योरिटी पे। अभी ये अच्छा, ये अभी हल्की है, ये पीला कलर होगा इसका जी, पीले रंग की जी। और इंटर नोट तो इसमें 35 तक पाई जाती हैं जी। और ये गन्ना बिल्कुल सॉलिड होता है, इस पे बैक्स तो ये दिख ही रहा है, ये देखिए जी बैक्स। और छोटी सी चीज़ एक और है, ये आइवरी मार्किंग कहलाती है, अच्छा ये भी अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है, थोड़ा सा हम नॉर्मल की तरफ दिखाने का प्रयास करते हैं ये वाली। हाँ, यहाँ पे अब चूंकि ये किसान भाई देख सकते हैं हल्के हल्के चिन्ह लगे, चिन्ह यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, दांत हाँ, जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह हल्के से। दूसरा ये वैक्स जो आपने बताया, वैक्स तो हर पोरी पे होती है, इसके वैक्स नहीं, यहाँ वैक्स तो होती है, ये वैक्स है, वैक्स ये देखो प्रोमिनेंट है, लीफ शीट पे भी वैक्स है। हाँ दोनों पे है, लीफ शीट पे भी वैक्स है। अन्य किसी वैरायटी में आपको लीफ शीट पे वैक्स नहीं दिखाई देगी, देखिएगा ध्यान से जी। तो ये 14201 के बारे में बड़ा विस्तार से आप लोगों ने, और जब ये जर्नेशन करती है जब, तो ये 84-36 की तरह दिखती है, बाद में ही थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, करीब 120 दिन की जब फसल हो जाती है जी, और स्टार्टिंग में बिल्कुल 84-36 के इक्वल जर्नेशन, बिल्कुल सिमिलरिटी दिखाई देगी जी। ये फिर ये सफेदी ये सब नजर आने लगता है, जैसे ये दिख रहा है जी बैठ। एक अभी और नई गन्ने की किस्म जो मध्य देर से पकने वाली है, पिछले साल ही अभी रिलीज हुई है, कोसा 10239 जो रिलीज हुई है, अभी एक साल पहले रिलीज हुई है, स्पेशली वो स्ट्रेस कंडीशन के लिए ये वैरायटी रिलीज की गई है, ऊसर भूमि के लिए और जल प्लावित क्षेत्रों के लिए। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें, कोसा 10239, इधर आप देख सकते हैं 5125 है, ये UP 0125 है, ये भी शीघ्र पकने वाली बहुत अच्छी किस्म है। उसके बाद आपकी ये चहेती वैरायटी को 0238 करण 4 जी, जिसका गन्ना बहुत ही अट्रैक्टिव है और अपने उत्तर प्रदेश का उपज और चीनी का पट्टा बढ़ाने में इस वैरायटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद में देखिए एक गोला थोड़ा सा इसका जो है पत्ती चौड़ी है, ये 10239 जिसको हम लोग दिखाना चाह रहे थे, 10239 है जी। इसकी जो पत्तियां हैं देखिए, इसका ये एक अलग शेप है, ये स्पेशली स्ट्रेस कंडीशन के लिए ये वैरायटी है, जल प्लावित क्षेत्रों के लिए और जो ऊसर भूमि के लिए। तो जो जहाँ पे जल प्लावन की स्थिति रहती है या ऊसर भूमि जहाँ पे है, वहाँ पे लगा करके इस वैरायटी से पैदावार अच्छी
किसान भाई पा सकते हैं। इसमें जलप्लावन में जो भी वैरायटी चलती है उसमें रूटिंग एरियल रूट्स जो है अच्छा हाँ यहाँ प्रोमिनेंट होते हैं। हाँ तो इस वैरायटी में एरियल रूट्स ये पाए जाते हैं, इसी की वजह से ये वैरायटी वाटर लॉगिंग में और अच्छी चलती है जी। सर्वाइवल अच्छा होता है, इसमें कोई आर्किल वगैरह नहीं है। मध्यम मोटाई का गन्ना है डॉक्टर? मध्यम मोटा है और ये मध्यम कड़ा है, बहुत सॉफ्ट नहीं है बहुत कड़ा भी नहीं है। इस पे स्पाइन ये जो कांटे जिनकी बात चल रही थी इनमें कांटे बिल्कुल नहीं होते हैं। और ये लीफ शीथ का कलर इसका हल्का सा ये पैच आता है, बाकी ये ग्रीन ही रहता है, ग्रीन ये वाला। बहुत हल्का सा पैच रहता है। हाँ बहुत हल्का मैच्योरिटी पे आएगा, बाकी ये ग्रीन रहेगा। और इसका जो अगोला है वो अप्रैल मई तक आपको हरा नजर आएगा, डार्क ग्रीन। ठीक है डॉक्टर, तो ये किसान भाइयों आज गन्ने की नवीन किस्मों के बारे में जानकारी दी गई आप लोगों को। किस्में बहुत सी हैं लेकिन हमने केवल उन किस्मों को ही लिया है जो हाल ही में साल डेढ़ साल पहले रिलीज हुई हैं, क्योंकि उनके आइडेंटिफिकेशन में पहचान में ये दिक्कत आती है, तो ये इन किस्मों को आपको लिया गया है। एक और किस्म मैं दिखाना चाहूँगा कि कोसा 09232 जो कि मध्य देर से पकने वाली किस्म, बहुत ही अच्छी गन्ने की किस्म है। गन्ना इसका मोटा है डॉक्टर साहब, इसके थोड़ा सा आप बता दीजिए लास्ट में। कोसा 09232 ये वैरायटी भी जहाँ से कोसा 767 निकली थी गोला से जी, वहीं से इसको आइडेंटिफाई किया गया। और इसमें है क्या कि ये इसकी जो औसत उपज है वो 96 टन, इसमें लगभग 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत पैदावार है जी। और इसकी जो पत्ती है जी ये बड़ी आसानी से छूट रही है, ये देखिए ये बड़ी आसानी से छूट जाती है, तो खिलाई में बहुत ही आसान है जी। जब ये मैच्योरिटी फेस पे आती है तो केवल ये हरी पत्तियां रह जाती हैं, सूखी पत्तियां स्वतः ही इसमें गिर जाती हैं जी। और ये गन्ना इसका ठोस होता है, बहुत छोटी सी आँख होती है चिपकी हुई, ये देखिए आँख इसकी छोटी और चिपकी हुई जी। ये भी नॉन लॉजिंग वैरायटी है आरकिल, तो मध्य देर से पकने वाली गन्ने की कोसा 09232 आरकिल इसमें भी पाया जाता है, ये देखिए काफी लंबा आरकिल है, ये भी इनर आरकिल वाला लंबा है, यहाँ से देखेंगे अभी तो इनर आरकिल का इनर आरकिल बताया था, ये काफी लंबा है। ठीक है डॉक्टर साहब, साथियों ये रही आज गन्ना किस्मों के पहचान और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी आज आप लोगों को प्रयास किया गया देने का। सुबह से बारिश हो रही थी लेकिन संजोग से लगभग 4:15 बारिश बंद हो गई, और हम सुबह से ये चिंता भी थी कि बारिश में हम लाइव खेत से सकता ना कर पाएं, लेकिन बारिश बंद हो गई। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अगर आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आए तो कृपया फॉलो और लाइक करना ना भूलें। मैं निदेशक महोदय का और अपने ब्रीडर डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी का, डॉक्टर अरविंद जी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। अगले मंगलवार को हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ।